सारे देश में महाराष्ट्र राज्य कृषि क्षेत्र में सबसे आगे है। खेतों का मूलभूत विकास और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र शासन हमेशा प्रयत्नशील है। खेती के आधुनिक तंत्रज्ञान की पहचान और अधिक मात्रा में उत्पादन क्षम बीजों की उपलब्धता करने के लिए महाराष्ट्र शासन पूरी तरह से कार्यरत है। मेरा नाम कुंडलिकप्पासो शिंदे, रहने वाला अकोला वासूद, तालुका सांगोला, जिला सोलापुर है। यह जो हमारे भाइया और सभी मिलकर 10 हेक्टेयर की खेती है, खेती में एक पहला छोटा एक कुआं और एक बोर था। ये इसका पानी पहले बारिश ज़्यादा हुआ तो ही खेती को बाजरी और जो ज्वार गेहूँ को इस फसल को मिलता था, और जब बारिश कम होती तो उसका पानी नहीं मिलता था। इसके वास्ते हमने एक छोटा तालाब बनाया, 60 फुट लंबा और 60 फुट रुंदी का और 10 फुट खोली का। इसमें जो पानी इस बोर का संकलन करके पानी बचने लगा, तब उस बचे हुए पानी में हमने बगीचा लगाने का निर्णय लिया। उस पानी में एक बोर का और अनार का पेड़ लगाया, और जो 2012 में शासन का सामूहिक राष्ट्रीय फलोत्पादन योजना अंतर्गत जो सामूहिक क्षेत्र तले बनाने का योजना मंजूर हुआ, उसमें मैंने जब अर्ज दिया उसमें मेरा वो टैंक मंजूर हो गया, और उसमें 44 मीटर लंबा और 24 मीटर रुंदा और 5.4 इंची का टैंक का मंजूर होने के बाद उसका काम किया। उसका शासकीय खर्च था 5,60,000 रुपये, उसके हिसाब से वो बना लिया, और उसकी पानी साटने की क्षमता थी वो 1 कोटी लीटर की थी। उसके उस बनाने के बाद उसका जो मुझे शासन से 5,35,000 का जो सब्सिडी मिला, और उसके बनाए हुए टैंक से मेरा 4 हेक्टर अनार, 1 हेक्टर बोर, जानवरों के लिए चारा, ऐसे फसल होने लगे। और उसका जो पानी भरने का काम हो, बारिश का जो पानी, उसमें वो पानी भरा जा रहा, इसके वास्ते मेरा खेती का बहुत फायदा हुआ। और उसमें जो पानी स्वच्छ रहने के लिए मैंने जो मच्छ बीज डाला, मच्छ बीज डालने से पानी का में जो शैवाल बनता है वो मच्छी खाने से पानी मेरा 100% साफ रहा, इसके वास्ते वो डायरेक्ट फसलों के लिए देना मुझे बहुत अच्छा रहा। मायसेल्फ अशोक मोरे, तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर, सांगोला। शेत तालाब, शेत तळ और फार्म पॉन्ड, इसके माध्यम से सांगोला तालुका में बहुत ही अनार की खेती जो है, अनार के गार्डन्स जो है वो उनको पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान के माध्यम से सांगोला तालुका में ₹250 से भी ज़्यादा किसानों को अनुदान दिया गया है, और एक खेत तालाब जो है, फार्म पॉन्ड जो है, उसका डायमेंशन 44x44 और उसका डेप्थ जो है वो 5.40 मीटर का है। इस शेत तालाब में नियर अबाउट 1 करोड़ लीटर्स का पानी हम जमा कर सकते हैं, और उसके माध्यम से नियर अबाउट 10 हेक्टर्स यानी 25 एकड़ तक अनार की गार्डन को हम पानी दे सकते हैं। पहले तो इस फार्म पॉन्ड से लोगों को टंचाई से यानी ड्राउट से इतना राहत मिल गया कि जो भी उन्होंने पानी बचा कर रखा था उसके माध्यम से उन्होंने अपने गार्डन्स को सही तरीके से
बचाया और उसका उत्पादन जो है वो उन फार्मरों को मिल गया। हमारे राज्य सरकार महाराष्ट्र शासन की तरफ से अब मागेल त्याला शेततळ इस नाम से योजना चालू कर दी है। उसको उसके लिए जो जो फार्मर 30 मीटर बाय 30 मीटर और 3 मीटर डेप्थ का शेत तालाब लेंगे, उसको पूरा करेंगे, उनके लिए 50,000 तक का अनुदान हमारे महाराष्ट्र शासन से दिया जाएगा। हमारे यहाँ लोगों का उस योजना के लिए प्रतिसाद भी अच्छा है। नियर अबाउट 2,000 तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस हमारे यहाँ आए उनके लिए, उस फार पॉन्ड के लिए। ये जो फार पॉन्ड है उसमें कई लोगों ने ये फिश कल्चर भी किया है और उस उनको भी थोड़ा बहुत आर्थिक उत्पादन उस फिशरी के जरिए से मिल रहा है। इस फार पॉन्ड ने हमारे सांगोला तालुका के किसानों के जीवन में एक नई क्रांति लाई, ऐसा मैं समझता हूँ। महाराष्ट्र शासन के खेती विषयक जरूरी योजनाओं में से ही एक खेत तालाब का राज्य के सभी किसानों को अधिकतम लाभ हो रहा है।